बेंगलोर में एक घटना सामने आई है जहां मॉडलिंग से जुड़ी एक पत्नी ने अपने पति को शराब में ड्रग्स मिलाकर दिया और अब लड़के का शव जो है पति का शव बाथरूम में शॉवर से लटका मिला। ये बेंगलोर की घटना है। पत्नी का नाम शिवानी है और लड़के का नाम दिनेश है। दिनेश जो है मध्य प्रदेश से है और बेंगलुरु में रहता था और उसकी जो है शादी हो चुकी थी शिवानी नाम की लड़की से। ये मामला जो है सामने आया जिसमें युवक का शव जो है संदिग्ध हालत में उसी के फ्लैट से मिला। आरोप है कि मॉडल पत्नी शराब में ड्रग मिलाकर पति को देती थी। दिनेश मध्य प्रदेश के रायसेन जिले मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर बरेली के गांव चार गांव का रहने वाला था। दिनेश के परिजनों ने बरेली थाने में FIR के लिए आवेदन किया है। मध्य प्रदेश पुलिस बेंगलुरु से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जो दिनेश है उनके पिता ने जो आवेदन किया उसमें कहा है कि दिनेश मीणा को उसकी पत्नी शिवानी गोयल, उसकी सहेली साक्षी के अलावा जिस कंपनी में उनका बेटा काम करता था प्राइवेट कंपनी में, उसके बॉस राजीव गुप्ता के द्वारा डराया धमकाया गया, साथ ही ड्रग एवं शराब का आदि बनाया गया। चारगांव निवासी दिनेश मीणा 2014 से LNCT कॉलेज भोपाल में इंजीनियर का छात्र था और शिवानी गोयल के साथ वर्ष 2019 में भोपाल से बेंगलुरु में नौकरी करने आया था। 2019 में बेंगलुरु में रह रहे दिनेश मीणा का शव 27 को बेंगलुरु के उनके फ्लैट के अंदर मिला। 23 सितंबर की ये घटना है। और दिनेश मीणा के पिता राजाराम मीणा ने कहा कि जब वो बेंगलोर में आए बेटे का शव लेने के लिए तब जो है वहाँ पर उन्हें कुछ भी सहायता नहीं मिली। वहीं दिनेश ने अपनी बहन को जो है 23 सितंबर को वीडियो कॉल किया था और बताया था कि शिवानी गोयल और उसके साथ ही उसे ड्रग्स दे रहे हैं। अब दिनेश मीणा के जो परिवार वाले हैं उन्होंने कहा कि जब वो बेंगलोर में गए दिनेश का शव लेने, उस समय बेंगलोर पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और मौके पर उसकी पत्नी शिवानी और जिस कंपनी में वो कार्य करता है उसका मैनेजर, उसके अन्य दोस्त भी नहीं थे। जबकि दिनेश की पत्नी ने ही अपने मोबाइल नंबर से फ़ोन करके दिनेश की बहन बबली को सूचना दी थी कि उनके भाई ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो रायसेन जिले के बरेली थाना प्रभारी मनोज दुबे ने बताया कि हम बेंगलोर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय लेंगे। तो अब एक और ऐसा केस सामने आया है सुशांत जैसा, जहां इस बात का शक है परिवार को कि उनके बेटे को जो है उसकी बीवी शराब में ड्रग मिलाकर देती थी और उसके पीछे उसी का हाथ है, उनका बेटा जो है सुसाइड नहीं कर सकता।